हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आप गूगल क्रोम में एक्सेल का यूज कैसे करें। MS एक्सेल जो आप यूज करते हैं अपने PC या लैपटॉप पर, उसी को आप गूगल क्रोम में कैसे यूज करें और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये मेरा गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो गूगल में एक्सेल खोलने के लिए आप यहाँ पे अगर जाएंगे, ये आपका ये इधर यहाँ पे दिया है, यहाँ बने गूगल के बगल में जहाँ आप जीमेल खुलता है उसके बगल इमेज बगल में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे गूगल के जो ऐप होते हैं वो दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप डॉक्स चला सकते हैं, शीट्स मतलब एक्सेल का फाइल ओपन कर सकते हैं, और ये आपका स्लाइड मतलब पावर पॉइंट हो गया। ठीक, यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इसमें बताने आपको अभी एक्सेल के बारे में, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया हुआ है, ये ओपन हो रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ गया। ये आपका करेगा उसी तरह कंप्यूटर से आपका PC में वर्क करता है उसे ही करेगा। आपके जो रिसेंट फाइलें ओपन होंगे वो आपके यहाँ शो करते जाएंगी। ओके, यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको यूज कर लें। अगर आपको अपनी तरह कस्टमाइज कुछ बनाना हो तो आप ब्लैंक पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे 3 डॉट पे साइड में, तो यहाँ पे आपको बाकी सारे मिल जाएंगे। इससे MS ऑफिस में होता है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक फॉर्म होता है जो कि अब 2013 MS ऑफिस 2013 में नहीं है, जो कि ये 2007 में है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 जब उसमें देखेंगे तो इसमें फॉर्म वाला ऑप्शन आता है। ओके, तो हम ब्लैंक पेज ले लेंगे एक्सेल में ही, तो उसे छोड़ दीजिए। यहाँ से आप ब्लैंक पेज ले लेंगे, तो ये मेरा कुछ ब्लैंक पेज इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा ब्लैंक पेज आ गया, ये देखिए ये मेरा ब्लैंक पेज है। उसमें थोड़ा अगर सिस्टम आपका अच्छा हो तो बहुत बढ़िया काम करता हुआ है। तो ये पेज थोड़ा ओपन होने टाइम लगेगा क्योंकि ये गूगल नेट से चलता है, लेकिन इसका आपका जो इसका जो फ़ायदा है, ये आपको फ़ायदा है इसलिए ये काम करेगा अगर आपके PC में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ओपन या एडिट कर सकते हैं। ओके, समझ आई बात? मतलब जो काम आप PC में सॉफ्टवेयर MS वर्ड ऑफिस इंस्टॉल करते हैं वही काम आप गूगल क्रोम के शीट में कर सकते हैं। तो उसको गूगल क्रोम में एक्सेल ही शीट के नाम से ऐप आती है, तो ये आप इसमें करिए। स्प्रेड शीट होती है एक्सेल की, आप जानते ही हैं शीट पेज को कहते हैं, इसमें आप वर्क करते हैं। तो ये स्प्रेड शीट है, यहाँ पे आपको वही सारे कॉलम वो मिलेंगे जो एक्सेल में होते हैं। ये ऊपर आपको बाकी टूल्स मिल जाएंगे, व्यूज़ मिल जाएंगे, बस इसमें कुछ चीज़ें हैं कम हो गई हैं क्योंकि अब उसकी तरह तो पूरा प्रॉपर तो वर्क कर नहीं सकता है, लेकिन आपका इससे काम चल जाएगा। अगर आपके PC में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप इससे आप अपना काम कर सकते हैं, इससे आपका काम रुकेगा नहीं। इसमें आपको लगभग सारे फंक्शन है, अलाइनमेंट वगैरह सबके फंक्शन दिए हुए हैं, फ़िल्टर वगैरह सब सारे, मतलब जितने फंक्शन होते हैं लगभग उतने सारे फंक्शन हैं। और यहाँ से आप ऐड भी कुछ चीज़ें करा सकते हैं अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें। ओके, तो फिर इसके बारे में आपको बाद बताएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पे एक्सेल में होता है ये प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ये आपका पेज जितना कुछ जूम आउट जूम इन करना है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, कलर, टेक्स्ट कलर सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका फाइल है, यहाँ से आप फाइल को शेयर कर सकते हैं,
या न्यू स्प्रेडशीट या जो न्यू फाइल होती है डॉक्यूमेंट्स उसको रख सकते हैं, या आपके पीसी में कोई फाइल पड़ी हो आपके पास वर्ड ना हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि आप इसको सेव नहीं कर सकते हैं, सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड पे जाएंगे, एक्सेल का फॉर्मेट पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, जो भी आप कमांड उसमें यूज करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप वहाँ कमांड यूज करेंगे वही कमांड आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी एक्सेल सीट है, अब इस पर मैं वर्क करना है, तो वो इस पर वर्क कैसे करेंगे तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दिखाने के लिए। जैसे कि आप कोई नंबर डाल दें, जैसे कि 24, 25 एंड 68, 64 जो भी डालना चाहें, जो फार्मूला वहाँ यूज करते हैं एक्सेल में वो सारे फार्मूला आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सम करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट करिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। जैसे इंटर करेंगे आपका फॉर्मूला रेडी होके आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदू कैसे करें, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मुझे रखना है, मान लेते हैं अपना नाम लिख देते हैं मोहित गुप्ता, ठीक, ये मेरा नाम हो गया। टैप किया, इसके बाद मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला है इक्वल गूगल ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट, ओके। जैसे आप फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं वैसे ही फॉर्मूला आप इसमें भी यूज करेंगे, तो ये मेरा गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला है। इसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो आपका टेक्स्ट है जिसको आपको चेंज करना है, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। ओके, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद तो उसके बाद मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया हुआ है, उसके बाद आप जाएंगे इस पे, आप जो भी मतलब कि आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा, आपका सोर्स क्या है, सोर्स मुझे इंग्लिश से हिंदी में करना है, इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए आपको स्टार्स, जो आपके इंग्लिश टू हिंदी वाले इंग्लिश जो है उसका स्टार्टिंग के दो वर्ड आपको टाइप करने होंगे। जैसे कि मुझे इंग्लिश से हिंदी करना है तो मुझे डबल कॉमा में इंग्लिश टाइप करना, तो इंग्लिश मतलब कि ई एन, ओके, डबल कॉमा बंद, सिंगल कॉमा। इसके बाद आपको लैंग्वेज लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करना है, तो मुझे हिंदी में करना है, डबल कॉमा फिर ओपन किया मैंने, इसको डबल कोट्स कह सकते हैं आप, वैसे डबल कॉमा बोलते हैं, तो इसमें हिंदी में करना है तो मुझे एच आई टाइप करिए, डबल कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो कुछ समय लोडिंग करिए, एक से 2 सेकंड में लोडिंग करके आपको रिजल्ट आपको दे देगा। तो इस तरह से आप अपने या इंग्लिश का कोई फॉन्ट या कुछ भी हो उसको आप लैंग्वेज चेंज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे एक्सेल की वीडियो है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि गूगल क्रोम में उसका नाम